गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग सुबह सुबह गर्म पानी के साथ लेमन जूस पीती हूँ, ये हमारा बहुत सालों का आदत है। तो मैं और मेरे हस्बैंड पीते हैं, तो इसे पीने से ऐसा ही कि हेल्थ कम हो जाता है लेकिन हमें अच्छा लगता है, बहुत सालों का एक आदत बन जाता है। इसलिए इसके साथ हनी भी डालते हैं, आज हनी नहीं है इसलिए हनी नहीं डाला। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे दोपहर का लंच का प्रिपरेशन चल रहा है। आज लंच में बनेगा कॉलीफ्लावर जो अभी बन रहा है। हेलो, इसके लिए कॉलीफ्लावर बन रहा है। कॉलीफ्लावर भिंडी अंडा हेलो बाबू। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्साइटेड कुछ करेंगे ना क्या? अच्छा ठीक है, बाद में बताते हैं। क्या है? थैंक यू, शुभ रात्रि। और बनाओगे कॉलीफ्लावर, चना दाल और ड्राई फिश आलू के साथ एक सब्ज़ी जो मैं अभी यहाँ पे दिखाऊंगी। बाकी सारे मेरे चैनल पे है दोनों रेसिपी, इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। तो ड्राई फिश को मैं ऐसे गर्म पानी में अच्छे से बॉईल करके इसका जो बीच का बोन्स है ना, बड़ा बोन्स रहता है वो फेंक दिया, और आलू को पील ऑफ कर रही हूँ, करके एकदम बारीक बारीक काट कर लूँगी। तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, शाम को बहुत अच्छी जगह पे ले जाऊंगी, आप लोग एंजॉय ज़रूर करेंगे। आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा क्योंकि वो चीज़ रेयर चीज़ है, तो आप लोगों को दिखाने के लिए ले जाऊंगी। तो ड्राई फिश को मैं थोड़ा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के फ्राई कर लिया, जो हमेशा हम लोग हर ड्राई फिश में करते। थोड़ा सा गार्लिक भी दिया था उसमें, तेल में थोड़ा सा तेल दे के मस्टर्ड ऑयल में, फिर पहले मैंने ग्रीन चिल्ली की चॉक लगाया, फिर गार्लिक चॉप करके डाला, ओनियन को चॉप करके डाल दिया, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। अच्छे से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक, फिर आलू को डाल देंगे। एकदम इजी से सिंपल वे से बनाऊंगी मैं, आलू को अच्छे से भूनेंगे। उप साथ में ही मैं टमाटर डाल दिया, डाल के हल्दी, और मैं दोनों टाइप का लाल मिर्च दिया क्योंकि ड्राई फिश की सब्ज़ी थोड़ा तीखा हो अच्छा लगता है। नमक डाल दिया और लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर और तीखा वाला मिर्च पाउडर भी डाला है। डाल के अच्छे से पका लेंगे जब तक ना आलू सॉफ्ट हो जाए। अभी थोड़ा ढक देंगे। कुछ झमेला वाला सब्ज़ी नहीं है। दूसरी तरफ मेरे चना दाल का छौंक लगा दिया और आलू को इस तरफ ढक दिया, थोड़ा हो गया। अभी ड्राई फिश मिला दिया, मिला के थोड़ी देर चला लेंगे। आलू मेरा बॉयल हो चुका है, गरम पानी डाल दिया। बहुत ज़्यादा पानी वाला सब्ज़ी नहीं है, थोड़ा ड्राई वाला सब्ज़ी है और थोड़ा सा पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी डाल दिया। डाल के ढक दूँगी, 5-7 मिनट के बाद मेरा सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस तरफ दाल भी छौंक लगा के थोड़ी देर बॉयल कर लिया, दाल भी रेडी हो गया और कॉलीफ्लावर भी रेडी है। अभी मेरा ड्राई फिश भी रेडी हो गया। तो मेरा उसके साथ हम लोग प्लेन राइस खाते हैं, रोटी ज़्यादातर कभी कभी रात को या सुबह के नाश्ते में हम लोग रोटी खा लेते हैं, दोपहर के तो राइस बिल्कुल चाहिए, प्योर बंगाली खाना। बड़े छोटे के साथ अच्छे से थोड़ी देर खेल रहा है। तो हम लोग खाना वाना खा के हम लोग थोड़ी देर के लिए निकलेंगे। और हम लोग निकल गए हैं अभी इवनिंग वॉक के लिए। तो मैं और बेटा, क्योंकि मॉर्निंग में ना पॉसिबल नहीं होता है, छोटू सोता रहता है, फिर उसके पापा ऑफिस चले जाते, तो हम लोग एक मज़ेदार जगह पे लेके जाएंगे आप लोगों को।
आप लोग हमारे साथ चले। कोविड की वजह से ना पार्क बंद है, तो हम लोग ना पार्क में कुछ करने के लिए नहीं जा सकते। उसी मजेदार जगह है पार्किंग, यहाँ पे सब बड़े बड़े गाड़ियां है, मैं दिखाती हूँ। ओके, हम लोग थोड़ा वॉक कर लेते हैं फिर दिखाती हूँ। ओके, वर्कआउट खत्म, तो एक चीज दिखाती हूँ। ओके, ये हमारा है एक्चुअली, है ना बाबू? नहीं, कौन सा हमारा है बेटा? एक भी नहीं। तू भूल गया पापा ने खरीदा था? नहीं, ये भूल गया। हाँ चलो दिखाते, वो बड़ा वाला। कौन सा वाला? कौन सा वाला? मेरा तो पिंक वाला है। तेरा बेटा? एक मिनट, नहीं नहीं, इनमें से कौन? ये वाला था। एक भी हमारा नहीं। मेरा लिमोजिन दिखाती हूँ मैं, ये देखो। एक्चुअली हम चारों का चार ही है। अरे क्या हो गया? ये देखो, एक चला गया, पहले जो हम लोग दिखाया था वो चला गया। अभी ये हमारा है, ये हमारा नहीं दोस्तों, ये हम लोग खरीदने लायक नहीं है। जस्ट हम लोग यहाँ पे तोड़ने के लिए आते हैं, इसीलिए दिखाया। हाँ, एक पिक्चर उठा ले चल। ये देखिए कितना सुंदर लग रही है मेरी मम्मी। ऐसा करके मैं थोड़ा बेटे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ। छोटा घर पे है, पापा के साथ है, तो उसको भी अच्छा लगता है। समर वेकेशन है, घर पे अच्छा थोड़ी लगता है। दिखा दो आप लोगों को, अच्छा लगेगा। जिनको कार पसंद है, ये लिमोजिन देखने में मुझे भी अच्छा लगता है। हम लोग आते हैं यहाँ पे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नया है कोई भी मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।